स्मोकिंग सिर्फ लंग्स को इफेक्ट नहीं करती, टंग कैंसर थ्रोट कैंसर उसके बाद लंग का कैंसर तो है ही किडनी का यूरिनरी ब्लैडर का गट का कैंसर स्टमक का कैंसर तो लगभग हरेक ऑर्गन को ये इफेक्ट है। तो हार्ट अटैक्स स्मोकर्स में ज़्यादा कॉमन है देन नॉन स्मोकर्स। एक तो होती है एक्टिव स्मोकिंग एक होती है पैसिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग मीन्स जो एक स्मोकर उस समय स्मोक कर रहा है ऐसे स्मोकर जो होते हैं कि जो स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन स्मोकर के साथ या उनके सेम घर में रह रहे हैं एक ही कमरे में स्मोकिंग छोड़ी जा सकती है लेकिन विल पावर डिटर्मिनेशन टाइम बाउंड ये तीन चीजें हैं जिसके लिए हम लोगों को चलेंगे तो हमारी स्मोकिंग छूट सकती है नमस्कार सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत सेहतनामा में आज एक बहुत अहम विषय लेकर हाजिर हुए हैं स्मोकिंग हम सब जानते हैं नुकसानदेह है पर लेकिन किस हद तक यह नुकसानदेह होती है आज इस पर बात डॉक्टर दीपक भसीन जी हमारे साथ उनसे बात करते हैं बहुत बहुत स्वागत सर थैंक यू सो आप हम अगर हिंदी में बोले तो फेफड़ों के रोगों के माहिर हैं आप हाँ. आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि स्मोकिंग क्या करती ह्यूमन बॉडी में देखिए स्मोकिंग धूम्रपान इसको बोलते हैं स्मोकिंग सिर्फ लंग्स को इफेक्ट नहीं करती कि हम लोग की क्योंकि ये थोड़ा पब्लिसाइज हुआ पड़ा है कि लंग को ही करती है ज़्यादा लेकिन लंग के अलावा अगर हम लोग चलें गले से शुरू करें टंग कैंसर थ्रोट कैंसर उसके बाद लंग का कैंसर तो है ही किडनी का यूरिनरी ब्लैडर का गर्ट का कैंसर स्टमक का कैंसर तो लगभग हरेक ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है ये कैंसर के अलावा अगर हम लोग स्मोकिंग को लेके चलते हैं तो जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं मींस, जैसे यूएस में में डेफिनेशन बने ट्वेंटी सिगरेट्स पर डे फॉर ट्वेंटी ईयर्स तो उसमें सी होने के जो जोसट्टी वेरवे डिजीज़ है जो लंग का सांस की दिक्कत जो कि एक परमानेंट इशू है सांस फूलने का सीओपीडी का वो स्मोकिंग के चलते होता है जो कि इिवर्सेबल डैमेज है कि किसी ने ट्वेंटी सिगरेट्स, ट्वेंटी ईयर्स ले ली है उसका लंग में इतना इफेक्ट है उसको आप जो भी दवा देंगे सिर्फ उसको जीने के लिए होगा उसका लंग इंप्रूव नहीं हो सकता तो स्मोकिंग परमानेंट डैमेज करता है लंग्स का कहते हैं कि 16% परसेंट ऑफ स्मोकर्स वो सीओपीडी जो ऑब्सक्टिव लंग का डिजीज आता है उसके अलावा उनमें से कैंसर के पेशेंट्स बनते हैं जिनको लंग का इश्यू आता है तो कहा जाता है कि 25 टाइम्स रिस्क ज्यादा है लंग कैंसर का एज कंपेयर टू द पीपल जो स्मोकिंग नहीं करते जो लोग स्मोकिंग करते हैं और जो नहीं करते उसमें 25 गुना ज्यादा चांस है सिर्फ मेल्स में नहीं फीमेल्स में भी क्योंकि आज की तारीख में फीमेल्स में भी उतने ही स्मोकिंग रैम्पड है जितने मेल्स में पहले ये चीज यूरोपियन कंट्रीज में देखी जाती थी लेकिन अब हमारी कंट्री में जो आप सोच सकते हैं कि नॉट ओनली इन इंडिया बट आसपास जो हमारी कंट्रीज पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना यूरोपियन जो हमारी एशियन कंट्रीज हैं इसमें स्मोकिंग यूरोपियन कंट्री से ज्यादा होने लग गई तो लंग का एक है दूसरा लंग के साथ हार्ट का इश्यूज़ और जिसको हार्ट का इश्यू स्मोकिंग के साथ आता है जो हार्ट अटैक बोलते हैं जिसको हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर हमारी ब्लड वैसल कोलेस्ट्रोल जमा होता है जो उसका डैमेज करती है वैस वेसल्स के अंदर जाके यहाँ पे कोलेस्ट्रोल जम जाता है तो हार्ट अटैक्स स्मोकर्स में ज़्यादा कॉमन है देन नॉन स्मोकर्स राइट सिमिलरली अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर या आप कहें स्ट्रोक जो होता है ब्रेन का जो जिसके साथ पैरालिस होता है तो वो भी स्मोकर्स में बहुत कॉमन है इसके साथ लिम्स का पैरों जो 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 हमारे लोअर लिम्स जो हम लोग लाते हैं उसमें वेसल्स में वहां पे चोकिंग क्लोटिंग सब चीजें होती हैं तो ये भी एक स्मोकिंग है लेकिन लंग का पर्टिकुलरली क्या क्यों कहा जाता है क्योंकि लंग से ही ये निकोटीन ऑब्जो होता है और एक जो हम लोग एक तो होती है एक्टिव स्मोकिंग एक होती है पैसिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग मीन्स जो एक स्मोकर उस समय स्मोक कर रहा है चाहे वो सिगरेट है चाहे वो बीड़ी है चाहे वो हुक्का है उनका जो स्मोकिंग वाला कंपोनेंट है वो सीधा लंग्स में जाता है वहां से ऑब्जोर्व होकर ब्लड में जाता है तो पहला डैमेज सीधा हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को और लंग्स को लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को होता है जिसमें हमारे हजारों तरह के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं गैसेस होती हैं जो कि हमारे वहाँ पे लंग्स का जहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है उसको अट्रैक्ट करती हैं और हमारा ही जो सिस्टम है वो हमारे लंग को डैमेज करना शुरू है और पैसिव स्मोकर होते हैं और पैसिव स्मोकर जो होते हैं कि जो स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन स्मोकर के साथ जहाँ उनके सेम घर में रह रहे हैं एक ही कमरे में या उसी घर में रह रहे हैं जहाँ हम लोग रेस्टोरेंट में बार में कहीं बैठे हुए हैं वहाँ स्मोकिंग हो रही है और आप लोग उसमें बैठे हुए हैं एक्टिव अब अब जो डाटा कहता है कि एक्टिव स्मोकर्स में फिल्टर लगा होता है मोस्ट ऑफ सिगरेट्स में तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर के जाते हैं लेकिन के स्मोकर के लिए वही फिल्टर्स नहीं होते कहीं तो वो जो ले रहा है उसमें इनहेल कर रहा है गैसेस को उसमें ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं ज्यादा टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं right. तो पैसि स्मोकिंग भी उतने ही हार्मफुल है जो जितनी के एक्टिव स्मोकिंग होता है यहां आपने कहा ट्वेंटी सिगरेट पर डे बीस साल तक डैमेज करता है लेकिन जो कम स्मोकिंग करते हैं तो उनको भी उनको कम डैमेज होता है सी वो एक डेफिनेशन बना गया है जिस हिसाब से कहा जाता है जो स्टडी बेस्ड आया है लेकिन ये ये कंफर्म ये चीजें ऐसी नहीं है कि जो 20 लेगा उसको होगा कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं यंग पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत जल्दी स्मोकिंग के साथ क्या डेवलप करता है इसको सीओपीडी बोलते हैं उसमें एक एक चार डिजीज को बोलते हैं इंफैजीमा. इंफैजीमा क्या है कि जो लंग के अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाता है तो कई इंफेजिमेटस डिजीजे जिसके चलते सांस फूलता है वो कम सिगरेट पीने वाले और जल्दी भी एज ग्रुप में आ जाता है तो आप किसकी बॉडी को कितनी स्मोकिंग के साथ दिक्कत आएगी

लगती कैसे है और इसको क्या छुड़ाया नहीं जा सकता देखिए जो निकोटीन बेसिकली काफी एडिक्टिव है पहले बोलते थे कि एडिक्शन और में हैबिट है। जिसको हैबिट बोलते थे और एडिक्शन दोनों में फर्क कहते थे लेकिन वो काम खत्म हो गया इट इज नॉट लाइक इट इज एडिक्शन ओनली इसकी क्रेविंग्स होती हैं क्योंकि ये कुछ कुछ रिसेप्टर्स में ऐसे बैठता है जाके ऐसे लगता है कि जिसका लाइफ स्पैन छोटा होता है तो कुछ घंटे बाद डिपेंडिंग अपॉन योर हैबिट कि आप कितनी स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसके साथ से क्रेविंग का इशू आता है तो इसके चलते उसको जो किक शोर्ट्स पहन के लिए मिलती है तो क्योंकि रिसेप्टर उसको फिर क्रेव करता है कि मेरे को निकोटीन एक्स्ट्रा चाहिए तो इसलिए इसको छोड़ना डिफ़िकल्ट होता है लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों ने पेशेंट्स देखे हैं जो कि बहुत साल बहुत लंबा समय तक स्मोकिंग करते हैं उन्होंने एकदम सडनली छोड़ दिया स्मोकिंग सिजेशन क्लिनिक्स होते हैं जहाँ के स्मोकिंग रोका जाता है उसके अपने पैटर्न्स होते हैं कैसे कि पहले आपने सोचा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सोचना कि मैंने सोचा कि मैंने स्मोकिंग छोड़नी है तब वो कैसे छोड़नी है उसके लिए आपको हेल्प मिल सकती है और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं छोड़ सकते और बहुत से लोग छोड़ते भी हैं इसको तो इसके अलग अलग सिस्टम है जिसके हिसाब से आप असेस कर सकते हो उसके साथ उसकी हेल्प कर सकती हो कुछ मेडिसिन ऐसी भी है जो आप स्मोकिंग को छुड़वाने में हमारे काम भी आती है लेकिन जो बाजार में आपको निकोटीन गम जैसी चीज़ें मिलती हैं लोग स्मोकिंग उसके साथ भी करते रहते हैं और निकोटीन गम भी ले रहे होते हैं साथ में स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे विल पावर का और डिटर्मिनेशन का अगर हमने सोचा है कि स्मोकिंग छोड़नी है और आपने टाइम बाउंड किया है कि मैंने अब से छोड़ देनी है अब उसको आपने आपने को प्रिपेयर कर लिया है तो डाटा यही कहता है कि आप जब किसी हेल्प के साथ स्मोकिंग छोड़ते हैं तो तीन महीने के बाद स्मोकिंग फिर से चालू शुरू हो जाती कर सक कर लेते हैं लोग लेकिन जो सडनली छोड़ते हैं और बिना किसी हेल्प के या बिना किसी दवा के छोड़ते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते हैं तो इसलिए स्मोकिंग छोड़ी जा सकती है लेकिन विल पावर डिटर्मिनेशन टाइम बाउंड ये तीन चीजें हैं जिसके लिए हम लोगों को चलेंगे तुम्हारी स्मोकिंग छूट सकती है एनी मैसेज आप स्मोकर्स को देना चाहें कुछ एज आ पालपन जो आप फेफड़ों के रोगों के माहिर हैं स्मोकिंग एक ऐसा इशू है कि स्मोकिंग क्यों स्मोकिंग इतनी कॉमन क्यों क्योंकि बिकॉज एसेसिबल है बहुत जल्दी मिल जाता है और आजकल ये लाइफस्टाइल आप फैशन स्टेटमेंट yes. फैशन स्टेटमेंट को लेके चलते हैं ठीक है तो उसमें वो एज एज ए जैसे शौक के लिए शुरू करता है लेकिन उसके बाद उसको आत पड़ जाती है। देखा देखी कई बार। तो मेरा कहना ये है कि आप जो शुरुआत ही ना करो उसकी फैशन स्टेटमेंट ना लो उसको लेके आप उसको छोड़ दूसरा पार्ट कि स्मोकिंग परमानेंट डैमेज करती है इसलिए शुरू करना और परमानेंट डैमेज ये दोनों चीजों के बारे में अगर हम लोग सोचें तो शायद हम लोग स्मोकिंग नहीं शुरू कर रहे जो अगर की भी है तो छोड़ी जा सकती है उसको छोड़ने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं, नहीं कोई डिफिकल्ट और इसका कोई असर नहीं होता कि अगर जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं और कुछ दिनों में ही बेसिकली क्या है कि आप एक इरीटेंट है इरिटेंट को आप स्मोक कर रहे हैं इरिटेंट्स है उसमें पड़े हुए स्मोक कर रहे हैं उसको और लंग में जा रहा है हमारा जो अंदर का मिकोजा है जो अंदर की लाइनिंग है वो बहुत सॉफ्ट है जैसे हमारे नाक में वैसे हमारे अंदर एयरवेज में है ट्रैक किया विंड पाइप जिसको बोलते हैं ब्रोंकस में है जो लंग्स में आगे जाके आता है राइट तो वहां पे कुछ ग्लैंड होते हैं अब इरिटेट कर रहे हैं उन ग्लैंड को तो वहां म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होगी जब म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो क्रीशन ज्यादा होगी तो ज्यादा निकलेगी तो कफ आएगी तो बलगम जिसको बोलते हैं निकलेगा तो जब हम लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं इरिटेंट बंद कर दिए देने उसको उसका तो स्टूमुलस खत्म हो गया सबसे पहला आपका फ्लेम ही खत्म हो जाएगा बलगम निकलनी बंद हो जाएगी फिर कफ इम्प्रूव करनी शुरू हो जाएगी देन लंग्स रिकवरी मोड में जाने शुरू हो जाएंगे एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स टू फ्यू फ्यूअर्स डिपेंडिंग आप कितना स्मोकिंग करते थे या कितने साल आपने स्मोकिंग की तो बॉडी वापस हील करनी शुरू कर जाती है लेकिन अगर हम लोग एक पॉइंट क्रॉस कर जाते हैं जहाँ पे हमारी सांस बहुत फूलने लग जाती है आप मॉडल टू सीवियर सी में चले जाते हैं तो उसमें आपका रिकवरी आएगा लेकिन कितना आएगा वो कोई नहीं बता सकता डेफिनेट डेफिनेटली रिकवरी जरूर आएगा